मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो ए कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट यू कैन सी एंड टच आर इट्स हार्डवेयर. हार्डवेयर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. टू मेक द हार्डवेयर वर्क यू नीड सॉफ्टवेयर. कभी भी हार्डवेयर को हार्डवेयर जो है अपने से वर्क नहीं करता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सेकंड हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, डिफरेंट है. अब क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह जाते हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. ये हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में. इसके बाद आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू रन अदर सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. ठीक है, इसके बाद हो गया इट मैनेजेस वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस एंड हेल्प्स टू कम्युनिकेशन अमॉन्ग देम. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ फोर टाइप्स का होता है. इसमें कौन कौन सा होता है इसमें दिखाते हैं. ये आ गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हो गया ओएस. ओएस के बाद हो गया आपका डिवाइस ड्राइवर के बाद हो गया आपका लैंग्वेज कन्वर्टर के बाद हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो ये सारी चीजें इसमें आ गई हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गई हैं. अब हम आते हैं ओएस. ओएस होता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम. यू कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के. नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज the interface between the user and a computer. Now you see iOS and Windows, Linux, Android, these are the various operating system. Understand? Now come to a device driver. What is device driver here? You should be device driver is such a printer, speaker, hard disk drives, CD, DVD drives, digital cameras and image scanner required device driver to work. A device driver is a software used to control and manage an external device. A device driver takes commands from the operating system and passes them on the external device. Now, come to the लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हम लोगों का क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर में होता है जैसे कि हम लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं, बांग्ला भाषा में हमको कुछ समझ में नहीं आता है जब तक कि हम उसको हिंदी में ना समझ लें. सेम यही कंडीशन जो है कंप्यूटर की है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0101 ये इस तरह से उसका फंक्शन होता है. अंडरस्टैंड? इसके बाद आ जाता है हम लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये डिवाइस ड्राइवर लैंग्वेज कन्वर्टर हो गया. अब आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये क्या करता है? देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सपोज दैट राशि स्पेंड 6 मंथ इन अ क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग स्टोरीज सी हैड रिटर्न. Her hard disk has failed today and the data is lost. Rohan's computer hard disk has a lot of data in it. Rohan observed that as the hard disk has less free space and the process speed of his computer gets affected and computer started slowing down or getting hang while processing. So, students, all the above cases can be managed by
using utility software. Utility software is operated by a user to maintain the computer system. Utility software is designed to perform specific tasks related to the operation on a computer. Understand? Now, come to a disk defragmentation or backup store. Backup store क्या होता है? अब हम क्या करेंगे? Backup और restore कैसे करेंगे? जैसे ये होता है, when you backup data, you duplicate and store it. The duplicate data can be stored on the same drive. ठीक है? जो duplicate data होता है, वो same drive में होता है. इसके बाद क्या होता है? अब आता है हमारा जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको बैकअप के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 पॉइंट्स हैं इसमें. ठीक है, इसको हम एक बार रीड कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए. पहला पॉइंट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सेकंड पॉइंट है टाइप बैकअप इन द सर्च एरिया. इसके बाद थर्ड हो गया आपका क्लिक ऑन द बैकअप एंड रीस्टोर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टू open it. A new window appears. Now the fourth point is click on the setup backup option. The setup backup dialog box appears. The fifth point is select the drive where you want to place the backup of files and folders. Now the sixth point is click on next. A new window appears. Now the seventh point is click on let me choose option to select the files or folders you want to backup. Now the 8th point, that is click on next to take the backup of files and folders. Understand students? Now come to a disk defragmentation. Defragmentor क्या होता है? इसको हम कहते हैं एकीकृत. इसको हम कहते हैं एकीकृत disk डिफ्रैगमेंटर. क्या कहलाता है? एकीकृत. अब क्या होता है? ए हार्ड डिस्क स्टोर्स. हार्ड डिस्क स्टोर्स डाटा इन स्मॉल पीसेस. द सरफेस ऑफ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू रिंग्स. ईच रिंग कैन होल्ड ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डाटा. अंडरस्टैंड? नाउ हियर यू सी द पिक्चर. फिगर 2.8 फाइल प्रेजेंट इन अ हार्ड डिस्क. अंडरस्टैंड? नाउ द स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर. Now come to our next point, that is the points of the defragmentation. That is click on the start button, type this defragmentor in the search area. Now click on the disk defragmentor utility software to open it. The disk defragmentor dialog box appears. Click on analyze disk to check it. Check if your system requires a defragmentation. Now click on defragmentation disk to arrange the data fragments. Now come to antivirus. The next point is antivirus. In antivirus, क्या होता है antivirus में? It is a program assembled to destroy a computer computer softwares. Understand? ये इसको डिस्ट्रॉय करता है. ये एक प्रोग्राम होता है. ठीक है, अब हम कहते हैं क्विक स्कैन क्या होता है, फुल स्कैन क्या होता है, कस्टम स्कैन क्या होता है. देखिए, जो स्कैन होता है, स्कैन करना पड़ता है कंप्यूटर को. क्यों करना पड़ता है स्कैन? क्योंकि इसमें जो वायरस होता है हम उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको हटाने के लिए, एक्सेस उसको हटाने के लिए होता है वो. और दूसरी चीज होता है, इसके बाद आता है क्विक स्कैन. क्विक स्कैन में क्या होता है? इट स्कैन्स द एरिया इन द कंप्यूटर दैट इज मोस्ट लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस. अंडरस्टैंड? नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट इज फुल स्कैन. फुल स्कैन में क्या होता है? सारी इट स्कैन द होल कंप्यूटर. ये क्या करता है? पूरे पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है. इसके बाद होता है आपका
कस्टम स्कैन, कस्टम स्कैन क्या किया जाता है? कस्टम स्कैन क्या होता है? कस्टम स्कैन होता है स्कैन ए स्पेसिफिक फाइल फोल्डर और ड्राइव ऑन अ कंप्यूटर फॉर वायरस. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. अंडरस्टैंड स्टूडेंट, द लास्ट टू थ्री पॉइंट्स आई हैव टेल यू that application software, that is application software, that is general purpose software. Now the second thing is customized software. Now the two things are found in the application software. Now the general purpose software, what is it? It is mentioned here, word processing software are the word used to create, edit and format text documents. Now the word perfect Microsoft Word, Open Office Writer and Keyboard are some commonly used process, word processor. Now drawing software, now spreadsheet software, now presentation software, they all are found in this software. Understand? Now the customized software, what is customized software? Now I will be explaining it. Customized software refers to the software specially designed to fulfill the requirement of a particular client. Now, the client can be a person or an organized software designed for the railway, banks and hospitals are some examples of customized software. Now the student, this chapter is over. Now, in our next chapter, I will be teach you in our next class, okay?